हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान घंटा 3 और पूर्णांक 100। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप गणित, हिंदी, इंग्लिश, साइंस का ना देखे हो प्री बोर्ड सोल्यूशन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट, वीडियो कैसा है बताएँ कमेंट में। चलिए देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर लिखिए? निम्नलिखित में से ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? कौन नहीं है? ये पहला नहीं है, पुनः पूर्ति योग्य। दूसरा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक। क्वेश्चन 3, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? फ्रेडरिक सरयू। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? दोस्तों, ये तो सभी को पता है कौन सा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक दोस्तों, क्या दिए थे? इंकलाब जिंदाबाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में, इनमें से लोक मार्ग के मार्ग में बाधा है, पचमा का क्या होगा? पचमे का होगा जातिवाद। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं 6वां। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? इसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है सभी छोटे पैमाने के उत्पाद। ठीक दोस्तों, ये लगभग समझ में आएगा। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रिक्त स्थान है, चलिए देखते हैं। भारत में सघन वन क्षेत्र बिंदु बिंदु प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? 93%। दूसरा क्या है? जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव बिंदु बिंदु द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? परिषदों द्वारा, परिषदों द्वारा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आगे देखते हैं। यह है क्वेश्चन 3, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव बिंदी बिंदी में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 31 दिसंबर। दिसंबर 1929 दिसंबर में पारित हुआ था 1931 में। यह दिसंबर था, दिसंबर 1929 में। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन 3 था दोस्तों, यहाँ 2 लिख गया है। ये क्वेश्चन कौन सा था? 3 था। ये क्वेश्चन 4 है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? मुद्रण, मुद्रण। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। भारत की वर्तमान पंचायती, क्या लिखा है? पंचायती राज व्यवस्था बिंदी बिंदी संवैधानिक संशोधन पर आधारित है, 73वां। 6ठा है, 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता द्वारा बिंदी प्रतिशत है, कितनी है? 65.46%। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। ISI का बिंदी बिंदी का सुरक्षा चिन्ह है, क्या है? औद्योगिकी, औद्योगिक। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है हमारा सही जोड़ी है, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बोला सही जोड़ी देखते हैं, तो क्या है निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाएं। ठीक दोस्तों, हम सही जोड़ी देखते हैं, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाएं, चलिए देखते हैं। क्या है? पहला स्टेपलर, और थोड़ी छोटा कर लेते हैं।
दोस्तों स्टेपलर है, स्टेपलर का क्या होगा, स्टेपलर का होगा दूसरा क्या होगा, स्टेपलर का होगा ऊन को छानने वाला स्टेपलर, ठीक। फिर दूसरा है फुलर, फुलर का क्या होगा भी आई, मतलब नीचे ये जो चुंटों से कपड़े, चुन्नों से, चुंटों से कपड़े ख्याली। तीसरा है सिंघाली समुदाय, सिंघाली समुदाय का होगा पहला श्रीलंका, ठीक। फेड क्या लिखा है, फेडेकोर संगठन, फेडेकोर संगठन का होगा तीसरा चीन। क्या लिखा है, अलोकतांत्रिक देश, यही सामने वाला बोलिवो। फिर छठवें का चौथा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद। दोस्तों ये जोड़ी देख सकते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब हमने कहा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है, जो कि रंग कैसा होता है, क्या होता है, भूरा और लाल, ये दोनों या लिख दीजिए या फिर ये भी लिख दीजिए, धूसर रंग भूरी ईंट लाल जैसी, ठीक। वैसे इसका क्या होता है, भूरा लाल भूरा, ठीक दोस्तों, लाल भूरी होती है। दूसरा क्या लिखा है, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है, इनका कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्र क्या है, उद्यान, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन फोर देख सकते हैं, जलवेराइन क्या था, एक यह जर्मन शुक्ल संघ था, कर्नल ला क्या था, ये दोस्तों बहुत बड़ा है तो आप लोग को छोटा मिले तो लिख सकते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में। शपथ पत्र से क्या आशय है, ये देख सकते हैं, इसका शपथ पत्र से आशय अगर आप लोगों को छोटा मिले तो लिख सकते हैं, बहुत बड़ा है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल, ठीक। आगे देखते हैं सत्य सत्य, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य सत्य बताइए, ठीक। पहला क्या है, महामारी जल अलावड़ी होता है, असत्य है, ठीक, असत्य है। फिर दूसरा है मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट धर्म सुधारते थे, सुधारक थे, ये भी सत्य है। फिर ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है, सत्य है। भारतीय स्टेट बैंक कैरी नोट जारी करता है, असत्य है, ठीक दोस्तों। पांचवा देखते हैं, पांचवे में क्या है, सेवा केंद्र क्या लिखा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, नहीं, ये क्या है, असत्य होगा, असत्य नहीं है, ठीक। ये चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष का क्वेश्चन नाम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, क्या है, सत्य है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन, अब तो ये हमारा क्वेश्चन छठा है, क्वेश्चन छठा का कौन सा है, अथवा है, और है प्रश्न, ये लिख सकते हैं उत्तर क्रमांक छः का अथवा, ये क्या है, एजेंडा 2021 है, ये हमें इतना लिखना है। यह क्या लिखा है, यह एक घोषणा जिले जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य भूखंड भूमंडली सतत पोषणी विकास सहित हासिल है, ठीक। ये है, आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सातवां है, जैसा कि यहाँ सात लिखा है, और अथवा है, क्या है, ये उत्तर क्रमांक सात का अथवा, ये भी है, क्या, अंतरिक्ष वन किसे कहते हैं, ये ऐसे अस्थाई वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आधारित वन घोषणी के, हमें इतना लिख देना है पूरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आठवां, ये दोस्तों क्वेश्चन आठवां है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आठ है, ये भी आठ का अथवा है, रबी एवं खरीफ फसल में कोई दो अंतर, जो कि ये रबी फसल लिखी है, ये फसलें वर्षा ऋतु में आरंभ जून जुलाई में बोई जाती हैं, ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ
सितंबर अक्टूबर में यहाँ क्या लिखे काटी जाती है। ये फिर रबी की फसल, ये फसल है शरद ऋतु में आरंभ अक्टूबर नवंबर वो हो जाती है, ये ग्रीष्म ऋतु में आरंभ अप्रैल से जून में काटी जाती हैं। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बाकी डिवाइड लिख सकते हैं, डिवाइड कि इधर खरीफ लिख दीजिए, इधर रबी, फिर लिख दीजिए ऐसे करके या फिर ऐसे ही। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नौवा है, औद्योगिकी क्रांति से क्या आशय है। ये जैसे लिखा हुआ है पूरा इतना लिख देना है। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर क्रमांक नौवा है। चलिए दसवां देखते हैं। ये दसवां है, पंचांग किसे कहते हैं। इसे में लिख देना, पंचांग एक प्रकाशित पुस्तक है जिसमें चांद सूरज की गति, ग्रह नक्षत्र और लोगों के जीवन से जुड़ी खास वर्ष भर की जानकारी रहती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा दसवां है। ये उत्तर ग्यारहवां है, एग्रो अमेरिका से क्या आशा है। एग्रो अमेरिका अश्वेत अमेरिकी या श्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयोग होता है जिसने 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ये 11 है, उत्तर क्रमांक 11, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं 12। तो दोस्तों 12 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन 12 में आ गए। क्वेश्चन 12 का ये अथवाली कर रहे हैं, लोकतंत्र की कोई दो विशेषता लिखे, जो कि ये विशेषता लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियां बनाते हैं। ये पहला हो गया, फिर ये पहला हो गया और ये दूसरा जैसे लिखा है, प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए चुनाव होते हैं। ठीक दोस्तों, ये है 12 नंबर, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है 12 का अथवा। और ये दोस्तों 13 का अथवा है, ये यहाँ पास 13 बस लिख गया है। ये प्रश्न क्रमांक 13 का और है अथवा, जैसा कि आप लोग पेपर में देख सकते हैं कौन सा है अथवा। यह वस्तु विनिमय प्राणी से क्या आशय है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन 14 है। विदेशी व्यापार की परिभाषा लिखिए, ये आंसर है फिर इसका। विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। दूसरे क्षेत्रों में वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 15 है, काथवा है। उपभोक्ता शोषण से बचने के दो उपाय लिखे, जैसा कि पेपर में देख ही रहे होंगे। ये अथवा है 15 नंबर का, उपभोक्ता को कोई भी सामान खरीदे ते वक्त कैश मेमो व रसीद जरूरी लेनी चाहिए। दूसरा है, विज्ञापनों के बहकावे में ना आकर सरकार द्वारा गुणवत्ता निर्धारित मार्ग देख कर ही वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं 16। ये भी दोस्तों क्वेश्चन 16 का अथवा है, जैसा कि यहाँ पास अथवा दिखाई दे रहा है। ये भी उत्तर अथवा है, क्या है, उत्तर अथवा किसका है, 16 का, जैसा कि पेपर में देख ही रहे होंगे। ये 16 का है, क्या है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई तीन, जो कि हमारा अंतर है। धात्विक खनिज में खनिज हैं जिनके गलाने से धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, बॉक्साइट, टीना, टिन, सोना, चांदी आदि। और ये अधात्विक खनिज उन्हें कहते हैं जिनका खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूने का पत्थर, फिर डोलोमाइट, अभ्र, नमक, पोटाश, सल्फर आदि। ये दूसरा है, ये खनिज आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों से में पाए जाते हैं, और ये है, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तीसरा है, ये लचीले होते हैं तथा इनके पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। ये लचीले नहीं होते तथा इन्हें पीट कर वांछित रूप से नहीं बदला जा सकता। आगे देखते हैं, ये भी दोस्तों ये हमारा 17 है, उत्तर क्रमांक 17 का अथवा, जैसा कि यहाँ अथवा दिखाई दे रहा है, मतलब 17 का है, 17 का अथवा, जैसा कि क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, 17 का अथवा है। क्या लिखा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। पिछले दो शतकों में सफल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से ले
सत्रह पैंसठ देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, पूरा लिख देंगे तो ठीक ही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन अठारह, जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन अठारह, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्या नियुक्त किया, ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलों को ख़त्म करने, पूरा हमें लिखना है। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये तीन नंबर में आता है तभी ठीक रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन उन्नीस, क्या लिखा है क्वेश्चन उन्नीस में, दो क्वेश्चन है जैसा कि दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए, अथवा है लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका कथन स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमारा क्या है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब ये हमारा उत्तर उन्नीस है, ये जो लिखा है इसकी भूमिका देखते हैं। इसकी ये भूमिका है, हमें तीन लिखना है जो कि इसमें चार दी हुई है, चारों हमें लिख देना है। विपक्ष सांसद एवं उनकी समितियों के अंदर और सांसद बाहर, मीडिया, ये सब लिख देना है। विपक्ष की भूमिका सुनिश्चित करता है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। चौथा है ये, एक दो तीन चारों लिख देना। हमारा क्वेश्चन बीस है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, इन्हें हमें भारत में दर्शाना है, जो कि हमें दर्शाना है पहला कौन सी, सिगरौली, फिर क्या कल्पपक्कम, तालापुर, और फिर चौथा क्या है, बैला डील। ये दोस्तों तारापुर है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमें इन्हें चलिए दर्शाते हैं, हम ऊपर वाला ही दर्शा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बीस, तो चलिए देखते हैं कहाँ दर्शाए हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा भारत का नक्शा है, इसे जूम करके देखते हैं कहाँ क्या है, ये हो रहा जूम, ये जूम हो रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था दोस्तों, जैसा कि यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं, हमें पूरा, हमें ये जितने सारे दिए हमें इनमें से किसी को नहीं दर्शाना है, ये जितने सारे हैं इनमें से किसी को नहीं दर्शाना है, जिन्हें हमें दर्शाना है उन्हें उन्हें बस ले लेना है, बाकी किन्हें सब हमें छांट देना है। हमें सिर्फ चार पॉइंटर बोला है, ये इरेज कर दे रहा हूँ, इन्हें हमें नहीं करना है। ठीक दोस्तों, हमें क्या क्या दिया है देखते हैं, दिया है सिंगरौली जो कि यहाँ है, दिया है तारापुर जो कि यहाँ है, क्या दिया है, बोला डीगा दिया है जो कि ये है, और एक और दिया है जो कि नीचे है, चलिए उसको भी देखते हैं, ये क्या दिया है, कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ है हमारा, यहाँ है। तो दोस्तों हमें इस उसमें जो ये भारत का नक्शा है, हमें इसमें सिर्फ चार ही करना है, हमें बाकी के जो इतने सारे दर्शाए हैं इन्हें किसी को भी नहीं दर्शाना है अपने नक्शे में, हमें अपने नक्शे में सिर्फ ओनली इन्हें दर्शाना है। किसे दर्शाना है, ये बैलाडिंगम यहाँ दर्शा दीजिएगा, यहाँ सिंगरौली, यहाँ तारापुर, और यहाँ पक्कम, जहाँ जहाँ ये डायग्राम बने हैं यहाँ यहाँ, और ऐसे ही हमें लिख देना है। बाकी के जो इतने सारे दिए हमें इन्हें किसी को भी नहीं करना है दोस्तों, किसी को भी नहीं करना है, जैसा कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इनमें से हमें किसी को नहीं लिखना है नाम, सिर्फ जितने दिए हैं हमें उतने को ही अपने नक्शा, हमारा नक्शा पूरा क्या रहेगा, खाली मिलेगा हमें। ठीक, तो हमें खाली नक्शे में सिर्फ हमें ये पॉइंटर चार दर्शा देने हैं, ये तारापुर, ये कल्पक्कम, बस दोस्तों हो गया, बाकी के हमें कोई भी नहीं दर्शाना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, दर्शा देंगे ना दर्शाएंगे तभी ठीक रहेगा, तो हमें नहीं दर्शाना है। जितना क्वेश्चन में बोला गया है, जो जो पॉइंटर दिए हैं हमें, उन्हीं उन्हीं बस को दर्शाना है, जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों लगभग समझ में आया होगा, अगर ना आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम भारत बना के फिर बताएंगे, लगभग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसे एक बार और जूम आउट करके पूरा देख लेते हैं, जो कि ये इस तरह का है, ये खाली रहेगा, हमें सिर्फ वहीं वहीं दर्शा देना है, ये देखिए कहाँ दर्शाना है, ये दिख रहा होगा लगभग। चलिए आगे देखते हैं, ये यहाँ पास, यहाँ, यहाँ और यहाँ, आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन हमारा ये 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, जो कि हमने ये गांधी जी का सत्याग्रह वाला कर रहे हैं, अथवा देख सकते हैं
प्रश्न नंबर 21 का ये अथवा है। ठीक, उत्तर क्रमांक 21 का अथवा यहाँ लिखा भी हुआ है, हमें ये उत्तर लिख देना है। सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नया तरीका था, यह दमनकारियों के विरुद्ध आंदोलन का एक अहिंसावादी तरीका था। जैसे कि पॉइंटर हमें इसी तरह लिख देना है। ठीक दोस्तों, बाकी के जलिया वाला भी मिला था, लेकिन हमने क्या कर लिए, ऊपर वाला ये इसे ना करके हमने कौन सा कर दिए, ये वाला कर लिए हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। और दोस्तों इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो हमें इन दोनों क्वेश्चन का एक ही लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कौन सा आया है, ये वाला है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए, जो कि ये 21 नंबर का अथवा है। ठीक दोस्तों, लिख सकते हैं इसे इसी तरह लिखना है, ये इतना पूरा लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा आंसर 23 है, मतलब उत्तर प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर वस्तुओं के विनिमय का अर्थ क्या है, विभिन्न उत्पादों के मानकरण को दर्शाइए, जैसा कि ये दर्शाया गया है, ये हमें लिख देना इसी तरह। और क्वेश्चन 22 दोस्तों हम बता रहे हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो अभी चलते हैं उसमें भी। ये 23 देख लीजिए पहले, ये इसी तरह हमें पूरा लिख देना है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण लिखे हैं, जैसे एक मार्ग, हाल मार्ग, प्रमाण, इसका भी लिखा है ISI। ठीक दोस्तों, यही हमें लिखना है। और अगर इसका अथवा भी आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका भी दिखाता हूँ, जो इच्छा होगी वो लिख लीजिएगा, चाहे 23 लिख लीजिए क्वेश्चन या उसका अथवा। चलिए उसका भी देखते हैं, अथवा भी, फिर 22 देखते हैं। बाकी दोस्तों, अभी हमने उधर बोला कि क्वेश्चन 23 का हम दोनों दिखाएंगे, जो कि ये पहला है, वस्तुओं के मानकीकरण का अर्थ क्या है, ये भी देख भी चुके हैं ये। और इसके नीचे का दिखा देते हैं, ये अथवा है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती। दोस्तों इनमें से जो आपकी इच्छा हो, चाहे ऊपर वाला लिख लीजिए या फिर अथवा लिख लीजिए, हमारे समझ से दोस्तों ऊपर वाला ही लिखिए, क्योंकि वो बड़ा है और हमें 4 नंबर की ज़रूरत है इसमें, इसलिए नीचे वाला ना लिख के आप लोग ये ऊपर वाला ही लिख लीजिए, ये क्वेश्चन 23। ठीक दोस्तों, दिखा दिया दोनों, जो इच्छा हो वो लिख लीजिए, मेरे तरफ से 23 ही लिख लीजिए क्वेश्चन, अथवा ना लिखिए, फिर आप लोग की जो इच्छा है दोनों लिख सकते हैं, दोनों दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22, जो कि अभी हमने उसका भी नहीं देखा है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए, क्वेश्चन हमने 20 कर लिए, 21 भी कर लिए, गांधी सत्याग्रह किए थे अथवा, और 22 अब कर रहे हैं दोस्तों, 23 भी हमने कर लिए, 23 हमने दोनों। क्वेश्चन 22 है, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, राजनीतिक उदास सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, चाहिए स्पष्ट कीजिए। देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 22 का अथवा है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव प्रस्ताव, फिर यहाँ पास क्या, निम्नलिखित राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि उसमें पूछा है कि सुधारों का वर्णन कीजिए, यहाँ पास लिखा राजनैतिक सुधारों कीजिए, ऐसे चलते हैं देखते हैं। इसके 4 पॉइंट थे, इसीलिए दोस्तों हमने इसे ले लिया है, इसे लिख दीजिएगा पॉइंटर में, जैसे ही लिखे हुए हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक दोस्तों, जैसा कि दिख रहा होगा बढ़िया। फिर ये दोस्तों तीसरा पॉइंट है, ये लोकतांत्रिक सुधार को मुख्यतः, ये भी लिख दीजिएगा। और ये चौथा पॉइंट, इसमें जो दोस्तों 4 पॉइंट था, इसीलिए हमने इसे ले लिया है, इसे ऐसे ही लिख दीजिएगा पूरा 4 पॉइंट, तभी जाके पूरे 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों। ये है पूरा 4 पॉइंटर। तो इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये 22 का क्वेश्चन में क्या है, राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। 22 का अथवा, जैसा कि हमने क्वेश्चन भी दिखाया और यहाँ भी लिखा है, राजनीतिक सुधार के लिए किए जा सकते हैं, ये हमारे हैं चारों। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और दोस्तों की हेल्प हो सके। अब हमारे चैनल में प्रश्न बैंक के सोल्यूशन आएंगे दोस्तों, तो धन्यवाद।